ओके, तो इस वीडियो में मेरे लिए चैलेंज ये है कि क्या मैं इन्वेस्टिंग के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत 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 ही सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ कि नहीं। मुझे लगता है मैं सिखा दूंगा। और साथ में जो स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में देखेंगे वो सिर्फ इंडिया के शेयर्स नहीं बल्कि यूएस के स्टॉक्स खरीदने में भी हमारी हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको अमेज़न के फ्री शेयर्स भी मिलेंगे, लेकिन हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे ही बैठे हैं और सामने आपको आपका एक पड़ोसी दिखाई देता है जो आपके पापा की एज का है, इन्हें आप चाचा जी बुलाते हो। ये तैयार होके अपनी फैमिली के साथ BMW में चले जाते हैं और ऐसे ही आपके मन में ख्याल आता है कि आपके पड़ोसी यानी चाचा जी और आपके फादर ने सेम जगह से ही पढ़ाई की थी। इंटेलिजेंट भी दोनों सेम थे, इवन सेम एग्जाम भी क्रैक करके नौकरी भी सेम जगह लगे, लेकिन आपके चाचा जी के पास ज्यादा वेल्थ थी, कुछ ज्यादा ही। तो ऐसा इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया था? बस आपके फादर ने ये बताया था कि इन्होंने बीच में 20s की एज में कुछ कंपनीज के शेयर लिए थे और किस्मत अच्छी थी, उन कंपनीज के रिटर्न बहुत अच्छे आ गए, इसलिए इनके पास इतनी वेल्थ है। आपको लगता है कि यार क्या ये सिर्फ लकी थी या फिर कोई स्किल भी थी? तो आप डिसाइड करते हैं कि अगले दिन आप इनसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनका नेचर तो अच्छा है ही, एक बार इनके मुंह से ही इनकी स्टोरी सुनेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया था जिससे ये इतने सक्सेसफुल बने। और ये सोचकर आप सो जाते हैं अगले दिन सुबह 11 बजे जब आप दोबारा अपने घर से बाहर निकलते हैं कि वो अंकल अपने लॉन में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। आपको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है इनसे कुछ सीखने का, इसलिए आप उनके पास जाते हैं। आप उनसे कहते हैं, नमस्ते चाचा जी, कैसे हो आप? बढ़िया बेटा, आप सुनाओ, लाइफ कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चाचा जी, बस आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बेटा, ये लो चाय लो और पूछो जो भी पूछना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप और पापा सेम स्कूल में थे, सेम कॉलेज गए, सेम जॉब लगे, लेकिन आपके पास ज्यादा वेल्थ है, ऐसा क्यों? पापा बताते हैं कि आपने कुछ बीच में इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से आप लकी रह गए। अंकल, लकी? तुम्हारे पापा एकदम ठीक कहते हैं, मैंने कुछ जवानी में शेयर्स लिए थे जिसकी वजह से ये सब है। आप? ओह वाओ, मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ शेयर मार्केट में, तो क्या मुझे बता सकते हो कि हम कैसे कंपनीज ढूंढ सकते हैं, या फिर ये बस लॉटरी की तरह है, पूरी किस्मत है? हाँ हाँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कंपनीज के बारे में और आपको सिखा भी सकता हूँ। वैसे मैं खुद चाहता हूँ कि कोई मुझसे ये सब पूछे, बट पहली बार आपने पूछा, वरना बाकी लोग डायरेक्टली कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही आते हैं, कोई रियल रीजन नहीं जानना चाहता कि मैंने ये सब कमाया कैसे। आई थिंक सबको फ्रूट ही चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। बट अब आप आगे हो तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप? मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझे ये बताओ कि कंपनी में मैं ऐसा क्या देखूं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो सक्सेसफुल होने वाली है। अंकल, एक्चुअली लोग कंपनीज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि पता नहीं क्या है ये सब। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो भी मैंने कंपनीज के शेयर लिए हैं वो क्यों लिए हैं, आप मुझे ये बताओ कि जो सामने किराने की दुकान दिखाई दे रही है, अगर तुम्हें इन लाला जी को 1 करोड़ रुपए देने पड़े 50% पार्टनरशिप के लिए, तो तुम इनके साथ इस दुकान में पार्टनरशिप क्या देख कर करोगे? आप? क्या चाचा जी, कंपनीज और दुकान तो बिल्कुल अलग है ना। बट एनीवेज, अगर मुझे ये दुकान पैसे कमाने के लिए चाहिए तो इसमें मैं क्या क्या देखूं? एक तो मैं ये देखूंगा कि हर महीने मुझे कम से कम इतने पैसे कमा के दे कि बैंक के इंटरेस्ट रेट से तो ज्यादा ही। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्हें दे रहा हूँ तो 5% तो बैंक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, यानी साल के 5 लाख रुपए तो मुझे वैसे ही मिलने वाले हैं, तो 5 लाख से ज्यादा तो हर महीने आने ही चाहिए। और वैसे 5 लाख ही क्यों, ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि दुकान तो इतनी रिस्की है कि इसकी बैंक जितनी गारंटी तो है भी नहीं कि हमेशा ये मुझे पैसे देती ही रहेगी। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इन पर कोई उधार वगैरह तो नहीं है। इन लाला जी के बारे में मैं ये जानना भी चाहूंगा कि कहीं मुझे बाद में धोखा ना दे दें, कहीं सारा प्रॉफिट खुद ही ना लेते रहें। और क्या देखूंगा? हाँ, और देखूंगा कि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, बस शायद यही सब देखूंगा। अंकल, वेरी गुड, तुमने काफी हद तक अच्छे पॉइंट्स दिए और मैं इन पॉइंट्स को तो इंक्लूड करता ही हूँ एनालिसिस में, बल्कि इन्हीं पॉइंट्स को और ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में इस्तेमाल करता हूँ। आप? और वो क्या है? अंकल देखो, टोटली किस कंपनी को एनालाइज करने के लिए टोटल बस 4 चीजें ही हैं। इन 4 चीजों में तुम जितने अच्छे हो जाओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम अच्छे बिजनेसेस ढूंढ पाओगे। आप? वाओ, और ये 4 चीजें क्या हैं? अंकल ये 4 चीजें हैं, 1 नंबर, 2 बिजनेस एंड हाउ इट विल ग्रो, 3 वैल्यूएशन और 4th मैनेजमेंट। आप थोड़ा डिटेल में बताइए ना चाचा जी। अंकल हाँ हाँ, मैं आपको चारों थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, इन 4 चीजों में से 2 साइंस के एलिमेंट्स हैं, यानी जिसमें थोड़ा सा, सच्ची में बहुत थोड़ा सा मैथ्स है, जैसे कि वैल्यूएशन और नंबर्स, और 2 एलिमेंट्स आर्ट्स के हैं, यानी तुम्हारी नजरों में ये कुछ और हो सकता है और मेरी नजरों में ये कुछ और हो सकता है, और ये है मैनेजमेंट और बिजनेस। आप? उतना समझ नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बताओ ना। अंकल
हाँ बेटा बताता हूँ। इनमें से हम एक एक एलिमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं कंपनी की वैल्यूएशन देखता हूँ, यानी क्या मुझे कोई बिजनेस सस्ते में अभी मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं उस कंपनी के बारे में उस वक्त ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि बाकी रिसर्च में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आप और वैल्यूएशन के लिए आप एक्सेल यूज करते होंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड वगैरह, है ना। मैंने भी सीखा था, थोड़ा टाइम लगता है बट आ जाता है। अंकल नहीं नहीं, मैं कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज नहीं करता, मैं तो सब दिमाग से ही करता हूँ। आप क्या, ऐसा क्यों, ये मेथड तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA की क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है ना। अंकल हाँ पर ये रियल लाइफ में उतना यूजफुल नहीं है। आप यूजफुल नहीं है क्यों। अंकल वो देखो सामने वो चार लोग दिखाई दे रहे हैं, इन चार में से मुझे ये बताओ कि कौन मोटा है। आप कौन, अच्छा वो चार लोग, बाकी तीन का तो पता नहीं, लेकिन वो लड़का पक्का बहुत मोटा है, उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स पक्का ज्यादा है। अंकल एग्जैक्टली यही तो बात है, हो सकता है बाकी तीन में से बाकी लोगों का BMI भी ज्यादा हो, उनकी हाइट और वेट कैलकुलेट करके उनका BMI निकाल के तुम बता सकते हो कि कौन मोटा है, लेकिन ये वर्ज पर है, हो भी सकता है इनमें से कोई मोटा हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो चौथा लड़का साफ देखने से लग रहा है कि वो पक्का मोटा है। और यही एग्जैक्टली हमें इन्वेस्टमेंट में करना है। जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि डेटा इतना ज्यादा क्लियर हो कि हमें साफ साफ पता चल जाए कि ये कंपनी सस्ते में ही मिल रही है बिना कैलकुलेशन के। अगर तुम बिना कैलकुलेटर के या एक्सेल के नहीं बता सकते कि ये कंपनी सस्ते में मिल रही है, तो समझ लो कि रिस्क हो सकता है, तुमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं ली है। हमें वो कंपनीज ढूंढनी है जो बॉर्डर लाइन पर सस्ती ना लगे बल्कि साफ साफ बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हो, जैसे कि कोरोना के टाइम में Nifty 50 पूरा नीचे गिर गया था, या फिर 2008 में नीचे गिर गया था, या फिर अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो हम इन क्राइसिस में बता सकते हैं कि बहुत सी कंपनीज के प्राइसेस कम है। आप ओके मैं समझ गया, लेकिन अगर मुझे अभी इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्या करूं। अंकल नहीं क्यों इन्वेस्ट करना है, पैसे FD में ही रखो, पैसे की कदर करो, जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी डालो, अगर इतने इंपेशेंट हो तो इन्वेस्टमेंट मत करो। इन्वेस्टिंग करना ऐसा है जैसे पेंट आप सूखते हुए देख रहे हो या फिर किसी घास को बढ़ते हुए देख रहे हो, कई लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग काम है और कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग। आप ओके अंकल समझ गया, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। एक और बात चाचा जी, जैसे US की कंपनीज में बहुत इनोवेशन होती है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी US की कंपनीज में भी काम करेगी या फिर सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए ही काम करेगी। अंकल ये स्ट्रैटेजी दोनों इंडियन और US की कंपनीज को फिल्टर करने में हमारी मदद करेगी, और आप US स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, और इसमें IND मनी हमारी हेल्प भी कर सकती है जो इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी हैं। हमारे जमाने में तो US के स्टॉक्स लेने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत कमीशन इन्वॉल्व थी, लेकिन IND मनी ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है US स्टॉक्स को बाय और सेल करने पर, और बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी US स्टॉक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दिए लिंक से IND मनी पर साइन अप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर हमें Amazon शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन पर, या फिर हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GIGLAMZN कोड यूज कर सकते हैं साइन अप के वक्त Amazon के फ्री शेयर्स पाने के लिए। पर अब क्या कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए मुझे नेक्स्ट पेंडेमिक का इंतजार करना पड़ेगा। अंकल नहीं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल कंपनीज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, जैसे कि रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है मैस्टेक, उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें कैश ही इतना ज्यादा पड़ा हुआ था कि ओरिजिनल बिजनेस सस्ते में मिल रहा था। तो इस वक्त अगर हम इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते तो हम ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स ले सकते थे। आप ओके समझ गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हो। अंकल इसके बाद मैं कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ, जैसे कि रेवेन्यू हर साल कम से कम 20% से ग्रो हो रहा हो, प्रॉफिट 15-20% से ग्रो हो रहा हो, कैश फ्लो 15-20% से ग्रो हो रहा हो, उधार 10% से ज्यादा ना हो, यानी डेट टू इक्विटी 0.15 से कम हो, कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रही तो भी चलता है, ओनर्स खुद कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है। अगर ये सब चीजें नहीं पता तो गीगल यूट्यूब चैनल में देख लेना, उन्होंने अच्छा समझाया है। आप ओके चाचा जी, बस फिर आप शेयर ले लेते हैं ना और वेट करते हैं ग्रो करने का। अंकल नहीं नहीं, इसके बाद ही तो मेन चीज स्टार्ट होती है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और कोई फॉर्मूला भी नहीं है इसमें क्योंकि ये आर्ट्स है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि बिजनेस क्या करता है और उसकी अगले 4-5 सालों में ग्रो करने की स्ट्रैटेजी क्या है। आप और आपको कैसे पता चलता है कि कंपनी ग्रो करेगी। अंकल 5 ही तरीके हैं जिससे कोई भी बिजनेस फ्यूचर में अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकता है। आप और वो 5 चीजें क्या है चाचा जी। अंकल वो 5 चीजें हैं, 1 या तो कंपनी अपने खर्चे कम कर देगी यानी कॉस्ट, जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सेकंड, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा सकती है, और अगर लोग फिर भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके ब्रांड को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। थर्ड, वो नई मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड या पिज्जा जैसी बिजनेसेस एक के बाद एक जगह खुलते रहे और हर देश में एक्सपैंड करते रहे,
और ऐसे बिजनेसेस में अगर हम सही टाइम में पैसे लगा दें तो वो फ्यूचर में ग्रो करते रहेंगे जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है। 4, उसी मार्केट में अगर कोई कंपनी ज्यादा सेल कर देती है, जैसे कि मैगी की कीमत बेशक कई सालों तक 10 रुपए ही रखी गई, लेकिन हर साल वो क्वांटिटी कम करते रहे, इसका मतलब है कि जो लोग मैगी खाते हैं उन्हें उतनी ही मैगी खाने के लिए ज्यादा मैगी के पैकेट्स लेने पड़ेंगे, यानी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट, और अगर हम शेयर होल्डर्स हैं एज एन ओनर्स हमें भी ज्यादा प्रॉफिट। 5, अगर कंपनी के 2-3 बिजनेसेस हैं और वो कोई नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद कर देती है तो भी वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है, क्योंकि लॉस में चल रहे बिजनेसेस को बंद करना ही अच्छा है। आप, पर ये सारी बातें हमें पता कैसे चलेगी चाचा जी? अंकल, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि वो बिजनेस कर क्या रहे हैं। फिर उनकी पिछली 2-3 अर्निंग कॉल सुनकर हम ये देख सकते हैं कि उनका अगले क्वार्टर में ग्रो करने का क्या प्लान है, और पिछली अर्निंग कॉल जरूर सुनना कि उन्होंने ग्रो करने का क्या प्लान बनाया था, और फिर एनुअल रिपोर्ट में रेवेन्यू और प्रॉफिट देखना कि एक्चुअल में जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो हुई भी या नहीं। आप, ओके, अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ये 2-3 पॉइंट्स। चाचा जी, 4th पॉइंट क्या था? अंकल, 4th पॉइंट है कि मैनेजमेंट कैसी है, यानी जो लोग बिजनेस चला रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं या नहीं। आप, और मुझे ये कैसे पता चलेगा? अंकल, इसके लिए तुम्हें मैनेजमेंट के इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे। अब इसमें हम पक्का ठीक होंगे कि नहीं होंगे ये कुछ हमें पता नहीं है। ये वैसा ही है जैसे तुम्हें किसी इंसान का नेचर बताना है, जिसमें हम हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इसके अलावा भी कहीं कंपनीज में बहुत अच्छे सिग्नल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैस्टेक कंपनी, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इन्होंने मैजेस्को नाम की कंपनी को सेल किया था, तो उससे जितने भी पैसे मिले थे वो इन्होंने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को दे दिए थे। ये एक अच्छा मैनेजमेंट साइन है। बस यही है इन्वेस्टिंग, और क्या। बाकी पेशेंस है, क्योंकि जब हम कंपनी सस्ते मिलेंगे तो 18 से 36 महीने के बाद ही पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में सस्ते में कंपनी ली थी या फिर हम बिजनेस को समझ ही नहीं पाए। आप, चाचा जी, एक बार रिवाइज करवा दो सारे पॉइंट्स। अंकल, लर्निंग का मतलब सुनना नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा। आप, ओके, तो हमें सबसे पहले ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो बहुत सस्ते में मिल रही हो। इसके लिए हमें एक्सेल यूज नहीं करनी। रीजन एक्सेल ना यूज करने का ये है कि डेटा हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान भी पता कर दे कि हाँ, कंपनी एक्चुअल सस्ते में मिल रही है। उसके लिए प्रिसाइज कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। इसके बाद हम कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो वगैरह 15-20% से ग्रो करें तो अच्छा है, और जो डेट टू इक्विटी है वो 10-15% से ज्यादा ना हो। और अगर एक कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है तो फाइनली आते हैं 2 मेन पॉइंट्स जिसके लिए हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है, और वो है पहला कि कंपनी करती क्या है, और अगले 5-6 सालों का उनका प्लान क्या है ग्रो करने का, यानी वो कैसे 15-20% हर साल ग्रो कर सकती है। इसके लिए हमें अर्निंग कॉल्स और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, और हर क्वार्टरली रिपोर्ट में हमें देखते रहना है कि कंपनी ने जो पिछले 3 महीने में कहा था कि वो ग्रो करेगी, क्या उतने परसेंट से वो ग्रो हुई या नहीं, और किस तरीके से अब आगे ग्रो करने वाली है। और बस ऐसे शेयर्स लेने के बाद बैठे रहो। अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर डेटा क्लियर ना हो तो पैसे कहीं सेफ जगह ही रखो, क्योंकि वॉरेन बफेट को भी तो जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो वो भी इन्वेस्ट नहीं करते, है ना चाचा जी? अंकल, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने एकदम ठीक पकड़ा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो और इसके पीछे एफर्ट्स अच्छे लगे हों। वन मोर थिंग, अपनी यूएस स्टॉक जर्नी स्टार्ट करना मत भूलिएगा। फ्री अमेज़न शेयर्स पाने के लिए IND मनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर साइन अप करते हुए कोड GEAGLEAMZN यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसी और नॉलेज लेना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 170 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और Android में अवेलेबल है। अगर आप इस अमेजिंग बुक की नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।